जय श्री कृष्णा, श्री राधे। सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। एक और नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह जो विषय है वो गजेंद्र मोक्ष से संबंधित, राहु से संबंधित। देखिए, आम जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम। मान लीजिए किसी को राहु की महादशा, अंतरदशा या गोचरवश राहु परेशान करता है, तो राहु और शनि जो हैं वो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। बहुत ज़्यादा दुख संताप मिलता है और राहु की महादशा में सबसे ज़्यादा व्यक्ति माया में फंस जाता है, जो उसके लिए जीवन भर परेशानी का कारण बनता है। फिर ये जो दुख है वो चाहे पारिवारिक हो, शारीरिक हो या व्यापार से संबंधित हो, कुछ भी, कैसी भी स्थिति हो, परेशानी मृत्युतुल्य होती है किसी न किसी रूप में। ये राहु करता है, क्योंकि राहु मायावी ग्रह है और ये माया में बांधता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ उस माया को काटने में, उस माया से मुक्ति दिलाने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ भगवान नारायण ने भी गजेंद्र के द्वारा स्तुति की जाने पर उसके अंतिम समय में उसको बचा लिया था मगरमच्छ के मुंह से। तो आप भी मान लीजिए आपको भी किसी भी तरीके की समस्या है जीवन में, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन की स्थिति में रहते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, परिवार की स्थिति सही नहीं है, तो आप भी शांति प्राप्त करना चाहते हैं, प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर कीजिएगा। और इसका सबसे ज़्यादा जो फल मिलता है गजेंद्र मोक्ष का, वो मिलता है ब्रह्म मुहूर्त में, 3 से लेके 6 बजे के बीच में आप इसको पढ़िएगा गजेंद्र मोक्ष को। 5 मिनट का है और इसको आप एकादशी तिथि, अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि पर या विशेष संयोगों पर 108 बार जरूर पढ़िएगा। और वैसे भी अधिमास चल रहा है, आप पढ़ सकते हैं 108 बार लगातार, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको। यदि आप प्रतिदिन 5 बार भी इसका अध्ययन करते हैं, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पद के रूप में हो, 3 तरीके हैं इसके पढ़ने के, आप कोई से भी रूप में आप पढ़िए, फिर आप देखिए कैसे आप विशेष शांति को प्राप्त करेंगे, वो अद्भुत लाभ आपको मिलेगा, तुरंत शांति मिलेगी, डिप्रेशन की स्थिति से आप बाहर आ जाएंगे, राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ज़रूर आप ऐसा करिए और फिर आप इसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।